सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक DIY प्रोजेक्ट, मतलब डू इट योरसेल्फ एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें आप अपने डेस्क सेटअप को थोड़ा और सुंदर कर सकते हैं इस विनाइल रैप के साथ। तो ये मैंने कार्बन फाइबर विनाइल रैप मंगा लिया अपने साइज के हिसाब से, और आप देख सकते हैं जैसे कि इसका टॉप पोर्शन जो है, जो इसका सरफेस है, ये वाइट कलर का है। बहुत ही गंदा सा लगता है, क्योंकि वाइट है तो बहुत जल्दी गंदा वंदा हो जाता है, तो इतना मज़ा नहीं आता। तो क्यों नहीं इसको मैं चेंज कर दूँ और उस पर बस ये विनाइल रैप लगाना है और दैट्स इट, और ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। बट शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, टेबल हमारे पास आ चुकी है, सारा सेटअप हटा चुके हैं हम, और हमें क्या करना है अब आपको बता दूं। आपको अगर लेना है ये विनाइल रैप तो आपको अलग अलग साइज में मिल जाएगा, तो आपके घर में या फिर टेलर के पास किसी के पास इंची टेप तो होगा, वरना आप खरीद सकते हैं इजीली, ठीक है। लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंची टेप भी खरीदना है तो आपको बस इंची टेप से साइज़ देख लेना है। जैसे कि मेरे को पता था ये 24 इंच है मेरा, ये आपका डेप्थ, और लेंथ मेरा है 36 के आसपास, या 36 है, तो मैंने ये देख लिया था, तो उसके हिसाब से मैंने देखा। तो जिसमें मेरे को अच्छी डील मिली थी, लाइक मेरे को 50 इंच मिल गया, लाइक 24x50 इंच 300 रुपीज़ में, तो काफ़ी सस्ता मिल गया मेरे को। अदरवाइज़ 36 इंच तक ही मिल रहा था, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया ताकि और भी कहीं काम आए। बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके साथ, बहुत ही मस्त लगता है पैटर्न, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। तो ये मेजरमेंट टेप स्टार्टिंग में ज़रूरत है जब आपको मंगाना है, अदरवाइज नहीं ज़रूरत, तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो बहुत अच्छा है। ये मेरी भाभी का है, मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है, तो ये काम आ जाएगा थोड़ा आपके उसके लिए, थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से चिपक जाता है और ये एडहेसिव होता है, तो इसमें दिया हुआ फिल्म बस चिपकाना है। और मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका, किसी के पास क्रेडिट कार्ड होगा या फिर डेबिट कार्ड होगा ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल वर्जन मत ले, कहीं वो आप लेंगे और प्रेशर लगाएंगे और टूट गया तो घर वाले मारने वाले हैं, ठीक है। तो मैं तो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, बहुत पुराना सा मोबाइल है, 3G है, तो नो डजेंट मैटर कि अगर ख़राब भी हो जाए, बट होएगा नहीं, क्योंकि इससे मैं प्रेशर भी दे पाऊंगा अच्छे से, तो इजीली आप इसको दबाते जाएंगे तो आराम से लगते जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सरफेस क्लीन करना है, तो एक बार गीले कपड़े से मारिए, फिर एक बार सूखे कपड़े से मारिए, उसके बाद विनाइल रैप स्टार्ट कीजिए लगाना, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि एज टू एज लगाएंगे, वो तो आगे की बात करते हैं, तो पहले क्लीन कर लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पूरी क्लीन कर ली है टेबल, ठीक है। और अपना मोबाइल ले आता हूँ मैं, जिससे मैं प्रेशर अप्लाई करके इसको चलाने वाला हूँ। जैसे स्टिकर लगाते हैं, आपको पता ही होगा अगर आप लोगों ने कभी लगाया है किस तरह से लगाते हैं, वैसे ही लगाना है, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। तो एज से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, एज मिल जाएगा आपको। ये है अब है ना, बहुत डिफरेंस, कितना मस्त लग रहा है अब ये सेटअप। और ये कार्बन फाइबर का जो पैटर्न है वो तो कमाल है, मतलब लाइट जो रिफ्लेक्शन मार रही है वो भी एक अलग ही आ रहा है, तो बहुत ही वर्थ हुआ। मतलब मैंने 300 रुपीज़ का मंगाया था और अभी भी मेरे पास लाइक 36 इंच यूज़ हो गया, 24x50 इंच का था वो, 36 यूज़ हो गया, अभी भी मेरे पास बचा है, तो और कहीं पर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यार मेरे को, और आपने देख लिया कैसे लगाते हैं क्या है, तो क्रेडिट कार्ड जैसा कुछ रख लीजिएगा और कुछ गत्ते जैसा रख लीजिएगा, ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड मत यूज़ कीजिएगा कहीं टूट टूट जाए। और बहुत ही ईजी अप्लाई करना, बहुत ही ईजी है। और अगर आपको मतलब हेयर ड्रायर वैसे ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप टर्न्स वंस में जाएंगे ना तो आप उसको गर्म करेंगे जैसा आपने वीडियो में देखा, तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको यूज़ करना। तो गर्म किया और बस चिपकाया, एक बार में चिपक जाता है, सो काफ़ी अच्छा रहता है। और मैं आपको बता दूँ कि एक और DIY आने वाला है बहुत जल्द, ये देख लो, कुछ कुछ तैयारियाँ चल रही है, अब आपको पता चलेगा जब आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी पे आने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, तो तब तक शायद बन जाएगा, तो वो ज़रूर देख लेना।
दैट्स इट। और भी कोई चीज़ों की लिंक्स विंक्स ही होंगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आपके साइज़ के हिसाब से 12x24, 24x48 ये सब मिलते रहते हैं, तो लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, चैनल को हेल्प भी हो जाएगी। और अगर आपको ये डेस्क लेना है, जो डेस्क मैंने ले रखा है, ये 1000 रुपये के आसपास ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो भी आप खरीद सकते हो, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको जानना है मेरा डेस्क सेटअप का टूर लेना है, मतलब कि क्या क्या मैंने रखा हुआ है, क्या ऐसे मेरा डेस्क सेटअप है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक डेस्क सेटअप टूर ले आऊँगा। लेकिन अगर आप इस पर कम से कम 100 लाइक्स करा देंगे तो, वरना तो नहीं, ठीक है? तो देख लेना यार, 100 लाइक करा देना, शेयर वेयर कर देना भर भर के, और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।